चाहते हैं, इस आराधना के क्रम में आपके वचन का चिंतन मनन करना चाहते हैं, तो प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ्य अगुवाई पवित्र आत्मा भेज, ताकि आज के वचन की गुण रस भेद और बातें हम लोगों के लिए जो परोसने वाले आप हैं प्रभु, वह हृदय की गहराई में बैठने पाए। अब हम उसको मनन करते हुए अपने विश्वास में परिपक्व और मजबूत होकर के हर संकट और आपत और विपत के समय सामना कर सके और आपकी संगति में सदा बने रहे। प्रभु तू ही हमें भी तू ग्रहण कर और हम पर तू अपना पवित्र आत्मा भेज, हमारे होठों को छू और हमें पवित्र कर, ताकि हम जो कुछ बोले मैं नहीं परंतु तू हमने होकर के बोल बतिया, ताकि हम आपका धन्यवाद स्तुति महिमा और प्रशंसा करने वाले हो सके। यीशु हम तेरी आंखों में सौंपे जाते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दयाशून और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन आमीन। इस समय हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुने जो हमारे लिए मिलेगा, पौलुस प्रेरित की पत्री पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 23 से लेकर के 32 पद तक। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 32 से लेकर के 23 से लेकर के 32 पद तक, उसमें परमेश्वर का वचन हमसे इस तरह से बातें करता है, हम सुनेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिससे रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, या मेरा या कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इसे कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इसे कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत सी निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। यहां तक आमीन। शवा बैठ जाए। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, हम वर्तमान समय में जो देख रहे हैं चर्च उपासना में, एक साथ गीत गाना, एक साथ परमेश्वर का वचन सुनना, एक संगति होकर के कोरोना वायरस के कारण से लॉकडाउन है और हम गिरजा आराधना में एक संगति नहीं हो पा रहे हैं, परंतु परमेश्वर हम लोगों को वह आशीष ज्ञान और समझ दिया है, अपने वचन को कभी रोकना नहीं चाहता है और इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से जहां घर में हैं वहीं से हम प्रभु की स्तुति और महिमा कर पा रहे हैं। हाँ, आज हम विशेष दिन जो प्रभोज स्थापन पर्व मना रहे हैं, प्रभोज स्थापन पर्व स्वयं में हम लोगों के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्ट ने किया, जिसे मसीह कलिसिया पर्व के रूप में मनाती है। इस प्रभोज में शामिल होना अर्थात इस प्रभोज की
संगति में होना या प्रभु जो प्रभु यीशु क्रिस्त हम लोगों के लिए ठहरा है उसमें संगति होना, हम लोगों के लिए अपने पापों के प्रति पश्चातापी होना होने का प्रमाण देता है। प्रभुज में शामिल होना प्रभु में समर्पित होकर के जीवन जीने के लिए हम लोगों को तैयार करता है। हम लोगों को यह दिखाता है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने मृत्यु के पूर्व हम देखते हैं कि पहले वह अपने चेलों के साथ मेहमान के रूप में खाता पीता और भोजन करता था, जिस तरह से शिमोन कोड़ी के घर में पूरे लोग पूरे शिष्य वहां इकट्ठा होकर के उस जीवनार में शरीक हुए थे। परंतु आज हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं ठहराता है, शिष्यों को क्या करता है, वह मेहमान ठहराता है और स्वयं वह मेजबान बनता है, होस्ट बनता है और उनके लिए वह स्वर्गीय भोजन स्वर्गीय संगति के लिए वह तैयार करता है। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम जो देखते हैं वचन के अनुसार पौलुस प्रेरित फिर से यह सिखाना चाहता है कि प्रभुभोज का अर्थ क्या है और कैसे खाना चाहिए। और एक बार उसने सत्य पहुंचाया था किंतु उसने दूर उससे लोग दूर चले गए थे। जो कुछ मसीह से प्राप्त किया था वह उसने उनको दे दिया, अर्थात कि हम कहें सुसमाचार, और उसमें जो कुछ समानताएं थी वह घट गई थी। परंतु उसी को वह चेतावनी के रूप में कुरिन्थ कलीसिया के लिए वह क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और यहां पर देखते हैं जिस तरह से प्रेरितों के काम उसका दूसरा कुरिन्थ उसका 42 और 20 प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 12 पद में शब्द जमा होते थे और प्रभोज अनुष्ठान करते थे। आज हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए यह जरूरी है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त उस प्रभुभोज में उनके लिए क्या सौंपता है, क्या देता है, क्या परोसता है। जिस तरह से हम अपने परिवार में किसी को मेहमान या अतिथि बुलाते हैं, हम होस्ट के रूप में मेजबान बनते हैं, तो हम उनके लिए चाहते हैं कि उनके उत्तम से उत्तम शरीर के लिए, जो उनके शरीर को उनके मन को उनके खाने में स्वादिष्ट हो, और उस तरह से हम परोसते हैं। उसी तरह से यहां प्रभु यीशु ख्रीस्त भी आज होस्ट होकर के मेजबान होकर के अपने शिष्यों को क्या करते हैं, मेजबानी करते हैं। उनके लिए क्या जरूरी है, क्योंकि वह समझ गए थे फसा के बाद फसा पर्व की तैयारी में लोगों के बीच में चहल पहल है और इस फसा के पूर्व ही प्रभु यीशु ख्रीस्त पकड़वाया जाएगा। हम मत्ती रचित यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 उसका 28 पद में देखते हैं कि जब यीशु को पकड़ करके ले जाते हैं उस हकीम के किले में, तो यहूदी लोग कहते हैं कि हम किले के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम आसूद हो जाएंगे और फसा खाने से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए हम इसे जानते हैं कि फसा खाने के पूर्व ही प्रभु यीशु ख्रीस्त पकड़वाया जाता है और पकड़वाए जाने के पूर्व उससे पूर्व पकड़वाए जाने के पूर्व ही वह क्या करता है, प्रभोज अनुष्ठान करता है। अब देखेंगे कि प्रभोज में प्रभु यीशु ख्रीस्त क्या परोसता है अपने शिष्यों को। वह अपने शिष्यों को इसी बातों को परोसता है जिस तरह से हम 24 पद में जो देखते हैं, यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और यही कहा, या मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने देह को रोटी के रूप में दिया। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने लोहू को लोगों के बीच में बांटा, और यह लोहू और देह हम विश्वासियों के लिए क्या है, हम विश्वासियों के लिए क्या है। हम देह को देखते हैं, देह
प्रभु यीशु ख्रीस्ट का देह। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला पद में ही देखते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर के साथ था। और 14 पद का पूर्वार्ध में हम जब देखते हैं उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ। और वचन देहधारी हुआ अर्थात परमेश्वर आज देह को खाने के लिए, अर्थात परमेश्वर को वचन को खाने के लिए देता है। और वचन देह को खाने का अर्थ क्या हो सकता है? परमेश्वर के उस वचन को खाने का अर्थ आत्म साधन कर लेना, प्रभु में समाहित हो जाना, प्रभु के संगति में हो जाना। जिस तरह से हम ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में जो हमारे लिए बारी बारी मिलता है, यज्ञ नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1-3 पद तक प्रकाशित वाक्य उसका 10 पद से लेकर के 11 पद तक में बड़ी अच्छी बातों को यहां पर कहा है कि उसमें परमेश्वर के वचन को खाने के लिए कहा गया है। यज्ञ नबी को परमेश्वर कि उस अगुवाई से वह क्या करता है, इस वचन को तो खा ले, खाने में तो कड़वा लगेगा लेकिन पेट में वह जाकर तुम्हारे लिए शांति और खातिर देगा और तुम इसराइलियों के बीच में पूरा काम कर सकोगे। और किसी तरह से हम प्रकाशित वाक्य के उस 10 अध्याय उसका 9 से लेकर के 11 पद तक में हम जब देखते हैं उसमें इसी तरह की बातें कही गई है कि परमेश्वर का वचन को खा जाओ। आज प्रभु यीशु ख्रीस्ट को देह और देह को खाने का मतलब कि परमेश्वर का वचन को हमको आज खाना है। वह खाने के लिए अपने शिष्यों को देता है, अपने शिष्यों के बीच में वह देता है। और देह खाने पीने के साथ ही हम क्या करता है, ख्रीस्ट की देह के प्रतीक स्वरूप रोटी खाने का अर्थ प्रत्येक रोटी पर जिसे हम खाते हैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त की छाप है। और दुनिया और के करोड़ों भूख और तपते हुए लोगों के लिए मनुष्यों को भोजन और प्रेम के द्वारा भारी जिम्मेवारी प्रभु यीशु ख्रीस्ट अपने शिष्यों को सौंप दिया है, जिससे यीशु ने रोटी तोड़ने अर्थात ख्रीस्ट के जीवन में संगति होने के लिए आशीष दिया है। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए हम आज प्रभु यीशु ख्रीस्ट के सच देह और सच लोगों को खाने और पीने से नहीं कतराते, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्ट अपने वचन में भी कहता है यूहन्ना उसका 6:55-56 पद में, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा रोटी वास्तव में मेरा लोहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है मेरा लोहू पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ और वह मुझ में स्थिर बना रहता है। आज मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, आज हमको आज इस पृथ्वी जगत के दुनियादारी और सब प्रकार के संकट और विपत्तियों से बचने के लिए आज प्रभु यीशु ख्रीस्ट की संगति, उसके देह की संगति आवश्यक है। जबकि हम कोरोना वायरस के कारण से आज सैद्धांतिक रूप से प्रभु यीशु ख्रीस्ट के संग आज व्यवहारिक रूप से हम सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम आज सहभागी हो पा रहे हैं, आज हमारे लिए आवश्यक है। दूसरी ओर हम जब देखते हैं तो कहता है कटोरा अपने शिष्यों को देकर कहा, यह वह वाचा है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। लोहू क्या है? लोहू क्या है? लोहू जीवन का प्रतीक है, जिसमें हम लगते उसका 17 उसका 11 पद में हम देखते हैं उसमें यह कहा गया है कि बलिदान के लिए जो कुछ पशु लाया जाता है उसका रक्त का दाम दिया जाता और उसके द्वारा से लोग आज क्या होते थे, प्रायश्चित पाते थे, छुटकारा पाते थे। और ये बार बार हम लोगों को करना होता था, परंतु आज प्रभु यीशु ख्रीस्ट मनुष्य जाति के लिए आत्मसत्य करने के लिए आज वह उस बातों को लाया जिसको कि हम आज देख पाते हैं। आज उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, प्रभु यीशु ख्रीस्ट के साथ जिस तरह से हम देखते हैं सुसमाचार में, जिसको हमने आज देखा यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:1-15 तक में, उसमें बड़ी अच्छी बातों को कहा है कि प्रभु यीशु ख्रीस्ट अपने संग अपनी संगति में बनाया है। और उसी तरह से हम देखते हैं फिलिप्पी 2:5 में भी प्रभु यीशु ख्रीस्ट कैसा कहा है, जैसा
मसीह का स्वभाव था वैसी ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। लहू पीने के माध्यम से आत्मसत्य साथ यीशु के साथ आत्मसत्य हो जाने के साथ ही हम लोगों को यह आशीष मिलता है। यीशु दाखरस के इस कटोरे में से मानव संसार की सारी कड़वाहट दुख आंसू हमको देख करके कहता है, अपने शिष्यों को देखकर कहता है, विश्वासियों को देखकर के कहता है, लो इसे पियो, यह मेरा लहू। मानो यीशु का लहू के प्रतीक स्वरूप दाखरस को पीने के द्वारा हम यीशु के साथ उसके खून का रिश्ता, उसका प्रेम का संबंध, उसको अपनत्व का भाव हम सबों में आज आ जाता है। आज यह नई वाचा का जो लहू है वह यह वाचा व्यवस्था पर नहीं प्राण प्रेम पर है। आज प्रेम के द्वारा आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट हम लोगों को यह आशीष दिया है, अगुवाई किया है। मानो आज हम इस जगत में उस आशीष को पाने वाले बन सकते हैं, अर्थात कि प्रभु यीशु की का सच दे और सच लोहू मानव जाति के उस विकृति अवस्था को जोड़कर एक प्रभु की संगति में विश्वासपूर्ण जीवन के साथ ही परमेश्वर से जोड़ने का के लिए आशीष देता है। आज हम विशेष तौर पर इनमें तीन बातों को देखने का प्रयास करेंगे जो प्रभु भोज में दी गई है। प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं होस्ट बनकर हम लोगों के लिए या मानव जाति के लिए पृथ्वी के लोगों के लिए दिया है, उसमें हम विशेष तौर पर तीन बातों को हम यहाँ पर देखेंगे जो कहता है पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय के वर्णन से हम पाते हैं इस विधान का पालन, अर्थात मेरे स्मरण में यह किया करो। यह क्या है? एक आज्ञा है। कुछ ऐसी ही बातों को जो तीन बातों में हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। पहली बात है प्रभु भोज। प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ने को अपनी मृत्यु से जोड़ता है। प्रभु भोज को यीशु मसीह क्या करता है? अपनी मृत्यु से जोड़ता है। अपनी मृत्यु को उस नई वाचा से जोड़कर जिसे परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अपने लोगों के साथ है वाचा बांधा है और उसके द्वारा से आज एक आशीष दी है। क्या कहता है यूहन्ना 3 उसका 16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वह जीवन पाने के लिए क्या हो सकता है? मनुष्य जाति का पाप मोक्षण, मनुष्य जाति का छुटकारा मानव जाति के लिए उत्तम और भली बात है। यह वही वाचा है जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता 31 अध्याय उसका 31 से लेकर के 34 पद में बड़ी सटीक बातों को कहा है और कहा है इसमें कि यीशु मसीह के उस लहू बहाने के द्वारा से आज पाप का छुटकारा होता है। जिस तरह से हम उस बातों को देखेंगे जो इब्रानी की पत्री उसका 9 अध्याय 26-27 पद में कहता है कि अब प्रभु यीशु ख्रीस्त सबके पाप मोक्षण के निमित्त एक बार लहू बहाने के वज में, बलिदान होने के वज में वह सबके पापों को से छुटकारा कर दिया, नया जीवन दे दिया। अब बार बार लहू बहाने की आवश्यकता नहीं है। और यह क्या है? हमारे पाप मोक्षण के निमित्त वो यीशु का जो प्रभुज है हम लोगों को क्या करता है? पाप से निजात देता है, पाप से छुटकारा देकर एक नया जीवन देता है, नया संगति, नया सामर्थ्य देता है। इसलिए हम आज पाप मोक्षण चाहते हैं तो सच्चे मन सच्चे हृदय से प्रभु से प्रेम करें और प्रभु के संगति में बने और उसके देह और दोहे और लोहू की संगति जो मृत्यु से हमें बचाती है, उस मृत्यु से जिस दिन आदम और हवा परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किए और वे क्या हो गया? पाप हो गया। पाप अर्थात मृत्यु, आत्मिक मृत्यु हो गई। उस आत्मिक मृत्यु से बचाने के लिए आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हम लोगों को पवित्र प्रभोज का अनुष्ठान करते हैं। इस पवित्र प्रभोज का अनुष्ठान में हम लोगों को अपने पाप मोक्षण का आधार मिलता है, उसके प्रति वहां पर विश्वासता के साथ आए और उसकी संगति में बने जिससे कि हम आज प्रभु की संगति में होकर के परमेश्वर की महिमा और बड़ाई कर सके, जिससे कि हम इस नई वाचा में विशेष तौर पर पाप क्षमा जो प्रभुभोज में समाहित है उसको हम पा सकते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं प्रभुभोज प्रभु यीशु ख्रीस्त की उस नई आज्ञा से संबंधित है जिससे उन्होंने अपने शिष्यों को प्रदान की थी। और अपने शिष्यों को क्या किया जो हम आज के वचन में जब देखते हैं सुसमाचार वचन में
यीशु फसा खाने के पूर्व, फसा का भोज खाने के पूर्व वो हवा संध्या के बेला जाता है, अपना सब कपड़ा उतारता है, मोचा बांधता है, मोचा कमर में बांधता है और अपने शिष्यों का क्या करता है, पैर धोता है। क्या करता है? पैर धोता है। आज मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, या प्रेम का स्वभाव है हमारे संस्कृति पूर्व काल में आज खत्म होते जा रही है। कहीं से भी अपने इष्ट कुटुंब लोग आते थे तो क्या करते थे, पहले थड़िया निकालते, लोटा पानी और तेल निकालते, उसका पैर को, जो पैर जल के आता था उसको बड़ी लगनता के साथ पैर धो करके उन्हें क्या करते थे, साथ मिलाते थे। आज ये हमें सिखाता है कि प्रभु भोज नई वाचा जो आज आज्ञा हम खुद क्या देता है, परमेश्वर और मनुष्य प्रेम करना। हम मत्ती रचि सुसमाचार 22 का 39 पद में जब हम देखते हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आज प्रभु यीशु ख्रीस्ट उसी बातों को यहाँ पर सिखाया अपने शिष्यों को, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, परंतु जो गुरु बनना चाहता है, जो एक सेवक बनना चाहता है, उसको एकदम नीचे से ऊपर तक हर स्तर का काम करने के लिए आज मजबूर होना है। आज हर काम को छोटा नहीं, ये वो करेगा वैसा नहीं, परंतु जहां हमको जिस तरह से लोगों की सहायता और प्रेम दिखाना होता है वहां हमको दिखाने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम लोगों को उदाहरण देकर के प्रभु यीशु ट्रीट करता है। आज हमारे लिए आवश्यक है कि हम आज एक दूसरे से जिस तरह से प्रभु यीशु ट्रीट अपना आज्ञा को, अपना प्रेम को, अपना दया को हम लोगों के बीच में दिखाया है, हम उसमें बने रहे, उसकी अगुवाई में चले। तीसरी बात हम देखते हैं इस पवित्र प्रभोज को उस अंतिम दिन के भोज से जोड़ा गया है। अंतिम दिन की भोज, जिसे संसार परमेश्वर संसार के समस्त देशों के लोगों के लिए आयोजित करता है। यशायाह 25 उसका 6 पद में वह कहता है कि उस देश में जो अंतिम समय होगा, उस देश में लोग आनंद से खाएंगे, पिएंगे, आनंद करेंगे। किसके साथ? प्रभु परमेश्वर के साथ। और प्रभु परमेश्वर के साथ खा करके पी करके आनंद करेंगे। और वह क्या करता है, यीशु के मृत्यु का स्मरणार्थ विश्वासियों को प्रत्येक सभा परमेश्वर की शांति तथा उसके राज्य की पूर्णता में सब देशों को एकत्रित करता है, एक संगति होता होने के लिए अवसर देता है विश्वासियों के लिए। आज हम अंतिम दिन की उस बातों को याद करेंगे तो हमारे लिए कैसा लगता है, हम जब कोरोना वायरस के इसे संक्रमित रोग से लोग पीड़ित होते जा रहे हैं, हजारों हजार लोग मृत्यु के सजा में पड़ रहे हैं, और इस समय वे भविष्यवाणी जो हम देखेंगे, जो हमारे लिए विशेष तौर पर अमोस नबी की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका उस बातों को हम देखने पाएंगे, जो कुछ भविष्यवाणी जो लॉकडाउन के द्वारा पूरी हो रही है वह प्रतीत दिखाई देती है। शुरू में आज हम देख पा रहे हैं दूसरा अमोस नबी की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 2 पद में अंत निकट है, और उसके लिए यह बताया गया है। पहले है अमोस 8 का 3 में, आराधनालय में गीत बाना बंद हो जाएंगे, गीत गाने का स्वर नहीं सुनाई देगा, एक सामूहिक रूप से आज क्या है, अंत का दिन को दिखाई दे रहा है। दूसरा है लोट हर जगह फेंक दी जाएगी, अमोस 8 उसका 3 पद में हम जब देखते हैं। तीसरा है भूमि कांपेगी और बिलाप लोग करेंगे, अमोस 8 उसका 3-8 पद में है। और इसी तरह से हम चौथा जो देखते हैं भविष्यवाणी वह है अमोस उसका 8 अध्याय 10 पद में, तुम्हारे पर्वों का उत्साह दूर होएंगे। हम आज घर में बैठे बैठे आराधना कर रहे हैं, गिरजा कर रहे हैं, या क्या है वह अंतिम समय को हम लोगों को दर्शा रहा है, अर्थात कि हम उस बातों को याद करेंगे मसीह में प्यारे भाइयों बहनों कि प्रभु भोज उस अंतिम दिन से हम लोगों को जोड़ता है, जो प्रभु यीशु ख्रीस्ट के संग बने रहेंगे। और इसमें विशेष बात है कि मेरे स्मरण के लिए यह किया करो, मेरे स्मरण के लिए, उसके स्मरण के लिए, किसके स्मरण के लिए, प्रभु यीशु ख्रीस्ट जो हम सबों को आज्ञा दी है मृत्यु से, पाप से, बुराई से छुटकारे के लिए, प्रभु हम सबों को आशीष देता है।
दूसरा हमें नई आज्ञा दी है कि हम इस पृथ्वी जगत के जो परमेश्वर मानव रूप में हम सबों को बनाया है अपने स्वरूप और अपने समानता में उसके साथ प्रेम स्वभाव में देखें, दुख तकलीफ में हम सहायता दें। तीसरी बात हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त उस अंतिम समय के लिए जो प्रभोज की तैयारी करता है उस अंतिम दिन के लिए हम लोगों को आज सहभागी होने की आवश्यकता है। और अंतिम ओर हम जब जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि इस बातों में जो प्रभोज में हम जो शामिल होते हैं परंतु किस रीति से यहाँ शामिल होते हैं उसको पौलुस प्रेरित हम लोगों के बीच में वह रखता है कि हम अनुचित रीति से किस तरह से अनुचित रीति हो सकती है, अर्थात उदासीन, स्वयं केंद्रित एवं अनादर की आत्मा से भाग लेना और अपने पाप से हटने की इच्छा ना रखना, अनुग्रह के वचन और उसके वायदों को स्वीकार ना करना एवं अयोग्य रीति से भाग लेना। वे प्रभु के विरोध भयंकर पाप करते हैं और वे मसीह को पुनः क्रूस पर चढ़ाने के दोषी और विशेष न्याय और दंड के अधिकारी बन जाते हैं। अर्थात मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, हम इस तरह से अनुचित रीति से हम प्रभु यीशु ख्रीस्त का सच दे और सच लोगों को ना ले, परंतु हम सबों के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त जिस तीन बातों को जो हम यहाँ पर देखते हैं सत्य मन सत्य हृदय के साथ उसे ग्रहण करें ताकि हम प्रभु की संगति में जो हमारे लिए परमेश्वर इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को पवित्र भोज का सक्रामेंट में भागी होने के लिए तैयार किया। हम आत्मिक रीति से आज प्रभु यीशु ख्रीस्त के पूर्व संगति में हो पाए हैं और परमेश्वर हम लोगों को वह देना चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें। और इसी के साथ हम जब यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त हम लोगों को अपनी संगति, अपने प्यार, अपने दया हम लोगों को बनाए रखा है और आशीष दिया है, अनुग्रह किया है और हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए आशीष दिया है। यह भोज हमें अपने पापों के प्रति पश्चातापी बनाता है, साथ ही सामर्थ देता है हम अपने पापों से दूर रहने के लिए अपने आप को सिद्ध और तैयार करें और उसकी संगति में सदा बने रहें और सदा सच्चे मन और सच्चे हृदय से हम प्रभु पवित्र प्रभुभोज में सहभागी हुए। एक कहानी के तौर पर हम सुनेंगे जिसमें एक शहर था और वहाँ पर एक राजा रहते थे और राजा के पुत्र थे राजकुमार। और इस तरह से राजा अपने पुत्र का विवाह करता है और पुत्र का विवाह करने के साथ ही पूरा उस शहर के लोगों को न्योता करता है और न्योता के एवज में सभी कोई बहुत उत्साहित होते हैं कि राजा के घर में राजकुमार का विवाह हो रहा है, कितना आनंद खाने पीने का होगा, कैसा स्वादिष्ट व्यंजन होगा, सब कोई उसमें आनंदित हो रहे थे। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, उस क्षेत्र में एक भिखारी रहता था जो रोज उस राजा के घर से होकर के गुजरता था, सप्ताह में एक दिन दो दिन राजा के घर में भी जाता था, उसे अच्छी दान उसे मिल जाती थी, उसे मालूम नहीं था, सब कोई तैयारी कर रहे थे राजा राजकुमार के विवाह के उत्सव के लिए और उस दिन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सब कोई नए कपड़े पहन करके उस राजा के पुत्र राजकुमार का विवाह के उत्सव में सब कोई जमा हो रहे थे। उन्होंने देखा, अरे क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, जो वहां पर गार्ड थे गेट में, वे लोग बोले, ये राजा का पुत्र राजकुमार का विवाह उत्सव हो रहा है, विवाह भोज दिया है, यहाँ पर वही लोग आ रहे हैं जिनको कि आज न्योता दिया गया है। आज न्योता आपको है? नहीं, मुझे तो राजकुमार और राजा तो हमको पहचानती हैं, हमको जाने दे। उन्होंने कहा, तुम विवाह का वस्त्र नहीं पाने हो, नहीं जा सकते हो। उन्हें बार बार किया, कहा नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे सब कोई राजा के परिवार वाले सब जानते हैं, कितना दिन से मैं उनके पास उनके ड्यूटी में भीख मांगने के लिए आता था। वे लोग कहे नहीं। फिर उसने कहा, राजा को बुला दो मेरे पास। वे हार मानकर राजा को बुलाते हैं और कहता है राजा आकर के, ठीक है आओ मेरे साथ, लेकिन तुम नहा धोआ करके साफ सुथरा कपड़े पहन करके उसके लिए क्या दिया जाता है, एक विवाह भोज का वस्त्र। और विवाह भोज का वस्त्र वह नहा धोआ करके पहनता है और अपना पुराना कपड़ा को भी वह पीछे में बांध करके वह अंदर जाता है। और जब खाने पीने या उस विवाह उत्सव में जब राजा घूम रहा था तो देखता है, अरे ये क्या किया है, तूने पीछे बांधा है, क्या है, निकालो। वो तो बोलता है पुराना कपड़ा है।
अरे इसको तू निकाल करके हटा दो यहां से गेट से बाहर तो दो। ये जिसको कि नया वस्त्र दिया गया फिर ये पुराना पहन ले आया है, यह शोभा नहीं दे रहा है, और उसे यहां से वहां से निकाल दिया गया। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, कहने का मतलब जब हम मसीह यीशु में होते हैं, हम जब प्रभु यीशु क्रीस्त के प्रभु भोज में आते हैं, तो हम क्या तीन बातें कहते हैं? क्या तू विश्वास करता है? हम विश्वास करते हैं। किसके ऊपर? परमेश्वर पर। क्या तू उस प्रभु पर भरोसा रखता है? हम भरोसा रखते हैं। क्या तू अपने मन और हृदय को नया करना चाहता है? हाँ, नया करना चाहते हैं। इस पाप स्वीकार उक्ति के बाद वे प्रभु भोज में वे समुद्र हो जाते हैं, और उस समय क्या होते हैं? नया हो जाते हैं। और नया होने के बावजूद हम आज प्रभु पवित्र प्रभु भोज में सहभागी होकर के फिर पुराना काम करना शुरू करेंगे, तो आज प्रभु हमको उसी तरह से, जिस तरह से उस व्यक्ति ने जो भिखारी था उसको नया कपड़ा पहनाया गया था, वह पुराना फिर पहना और फिर उसको बाहर निकाल दिया गया, हम भी वैसे निकाल दिए जाएंगे। इसलिए मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम पवित्र प्रभोज स्थापन पर्व में अपने आप को रखते हैं, इस समय परमेश्वर हम लोगों को आशीष दे। हम व्यवहारिक रूप से पवित्र प्रभोज का अनुष्ठान तो नहीं हो रहा है, परंतु आत्मिक रीति से हम समझे जो आज हमारे लिए आज उस परिस्थिति के समय हम पवित्र प्रभोज वचन की संगति के द्वारा ही ले रहे हैं। इसलिए हम जिस तरह से प्रभु पवित्र प्रभोज के समय अपना दान एक बार अलग से देते हैं, उसी तरह हमको आज देने की आवश्यकता है, और इसमें प्रभु हम लोगों को आशीष दे, अगुवाई करे कि हम इसे वर्तमान स्थिति में परमेश्वर का महिमा कर सके। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष देते हुए हम सबको सहायता और मार्गदर्शन करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दया अनुग्रह प्रेम से भरा हुआ त्रिएक परमेश्वर, इस प्रभोज स्थापन पर्व के अवसर पर आपके वचन में से जो कुछ हम लोगों ने सुना जाना, प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे, अगुवाई कर कि जिस तरह से हम लोगों के लिए आप पवित्र प्रभोज का अनुष्ठान पापों की क्षमा के लिए करते हैं, नया जीवन पाने के लिए, नई आज्ञा के अनुसार, नई वाचा का आज्ञा, मनुष्य के साथ प्रेम करना, जिस तरह से आप अपने पुत्र को प्रेम करने के लिए इस जगत में दिए और आप हमसे प्रेम किए हैं, उसी तरह से हमारा स्वभाव भी होने पाए, और हम जब अपने उस अंतिम दिन के लिए जब प्रभुभोज में हम सभी कोई शामिल होते हैं, प्रभु जब तक वह ना आए मेरे स्मरण के लिए यह किया करो, इसी तरह से हम सभी कोई जब तक आप अपने पुत्र को इस पृथ्वी जगत में आने की समय हम निश्चित तो नहीं, परंतु आपके उस वचन के माध्यम से वैश्वानी की बातें जब पूरी हो रही है, हम लगन के साथ आपके उस पवित्र प्रभुभोज में होकर के अंतिम दिन के लिए अपने मन और हृदय को तैयार कर सके। कितने आज दुख व्यथा और आपत और विपत और परेशानी में हो सकते हैं, सबको यीशु दया दृष्टि कर, अनुग्रह कर और अपनी सामर्थ्य हाथों के द्वारा आशीष दे, ताकि सब कोई आज आपके वचन के अगुवाई में, आपके संगति के अगुवाई में, आपका प्रेम के अगुवाई में अपने आप को आपके निकट लाकर शरीर आत्मा लौकिक जीवन के लिए जो उत्तम और भली भाग है उनके लिए घटे और कमियों को दूर करते हुए सहारा दे, ताकि सारी बातें आपके लिए खुलकर आशीष की बातें होने पाए। हम सारी बातों को लेकर के आपके पास आते हैं, जितने भी दुख संकट संकेति देश दुनिया जल रही है उसमें अपनी परिस्थिति दे और सहारा दे, आप पर भरोसा करने के द्वारा शांति और खातिर मिले। यीशु तेरे हाथों में हम सबको ही सब कुछ होते दिन प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, जय सुन और अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर की शांति समस्त ज्ञान से परे आप सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली आपसे लेकर सदा सर्वदा करता रहे। आमीन।